दोस्तों, आज पहले ही आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, जो आज कोई ईयर ड्रॉप का वीडियो नहीं है दोस्तों, ये एक टेक्निकल वीडियो है। और दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपको अगर देखना हो तो देखिएगा, और स्किप करना होगा तो स्किप कर दीजिएगा, अगर मालूम होगा तो स्किप कर दीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सअप, जैसे कि व्हाट्सअप में 4 ID है, जैसे कि मेरे पास, आप मान लीजिए मेरे पास अभी दो एक सैंपल सेट है जिसमें डबल सिम लगा रहा है, और एक एंड्रॉयड सेट है जिसमें डबल सिम लगा हुआ है। ठीक है, हम चारों आईडी को एक ही मोबाइल में व्हाट्सअप चलाना चाहते हैं, चारों नंबर से मैं व्हाट्सअप एक ही मोबाइल में चलाना चाहता हूँ, तो कैसे चला पाएंगे? तो फेसबुक का तो बहुत सारा ऑप्शन है, जो आप ब्राउज़र में जाके www.facebook.com क्लिक करेंगे तो उसको लॉन्ग आउट करेंगे, एक आईडी को लॉन्ग आउट करेंगे, दूसरे आईडी को आप लॉगिन कर सकते हैं, तो फेसबुक तो आप चला सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप में ऐसा तो कोई वेबसाइट है नहीं, वेबसाइट नहीं है जो आप व्हाट्सअप चार व्हाट्सअप एक मोबाइल से चला सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी का सॉल्यूशन लेकर आप लोग के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहले ही बता दिया हूँ जो मैं किस बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं व्हाट्सअप 4-5 यानी कि 84 व्हाट्सअप एक ही मोबाइल में चला सकते हैं। ठीक है, अब पहले ही बता दिया हूँ, तो अगर आप जानते हैं तो स्किप कर सकते हैं, नहीं जानते तो पूरा फुल वीडियो देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो कैसा हुआ, कैसा लगा, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए भी शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एक प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन है, ठीक है, मल्टी स्पेस। ठीक है, आप क्लिक करेंगे मल्टी स्पेस, यहाँ पर तो बहुत सारा एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, अगर डबल यानी कि डबल चार, आप चार व्हाट्सअप यूज नहीं करना चाहते, मात्रम डबल व्हाट्सअप यूज करना चाहते, तो पैरलेस स्पेस तो सभी आदमी को पता है, पैरलेस स्पेस आप यूज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमको चार आईडी बना के चलाना है, चार नंबर चलाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ मल्टी अकाउंट ऐप। ठीक है, तो हम चलिए हम इसको क्लोज करते हैं और एप्लीकेशन में चलते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन है, इस पर हम क्लिक करते हैं, लोगो देख लिए आप, तो यहाँ पे देखिए मैं याहू हूँ, याहू डबल चला रहा हूँ। ठीक है, एक मेरा याहू जो यहाँ पे है, एक याहू जो ये दूसरा आईडी है। ठीक है, ये दूसरा आईडी है और इसमें ये दूसरा आईडी है। ठीक है, तो मैं ये अकाउंट शो नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने के लिए यहाँ ऐड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ आप ढेर सारा एप्लीकेशन, जो भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आ चुका है। फिर से हम यहाँ व्हाट्सएप पर प्लस पर क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप के प्लस पर। ठीक है, तो ये कुछ टाइम लेगा, मेरा नेट थोड़ा स्लो है, इसके वजह से तकलीफ़ हो रहा है और टाइम ले रहा है। ठीक है, थोड़ा पॉज। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एक व्हाट्सएप मेरा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसी तरीक़ा से आप फिर से आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे, फिर से थोड़ा समय लेगा और फिर से एक एप्लीकेशन आउट हो आ जाएगा। ठीक है, फिर से आ गया, फिर से ऐड करेंगे और फिर से व्हाट्सएप प्लस पर क्लिक करेंगे, फिर से क्या गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी व्हाट्सएप नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा एक व्हाट्सएप है जो आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पे मेन स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, तो मैं अपना ओरिजिनल व्हाट्सएप आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ओरिजिनल व्हाट्सएप है जो बिल्कुल चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए मैं उसको उस एप्लीकेशन में चलता हूँ, इस एप्लीकेशन में अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये आईडी बनाने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए एग्री एंड टर्न कंडीशन क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर नंबर मांगेगा, तो मेरे पास अभी कोई ऐसा नंबर है नहीं जो मैं इसमें बना पाऊंगा। तो दोस्तों, आप एक बार ट्राई करके देखिए, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सब ट्राई कर चुका हूं, मेरे पास एक और मोबाइल है जो कि मैं ज़्यादा यूज करता हूं, उस मोबाइल को मैं ज़्यादा यूज करता हूं, तो वो मोबाइल में मैं पहले से 3 ID बना रखा हूँ। ठीक है, और ये मोबाइल घर का मोबाइल है, इसलिए मैं इसमें ID नहीं बना पाऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो व्हाट्सअप नंबर 1, व्हाट्सअप नंबर 2, एक व्हाट्सअप यहाँ हो गया, फिर से इसमें भी क्लिक करेंगे तो फिर आईडी बनाने के लिए बोला जाएगा। तो जिस तरीक़ा से आप व्हाट्सअप बनाते हैं उसी तरीक़ा से आप बनाएंगे। ठीक है, अगर इसमें बना लेंगे तो ये व्हाट्सअप आपको चलना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा फिर से। ठीक है, अगर फिर दूसरा नंबर आपको व्हाट्सअप बनाना है तो फिर से इसमें क्लिक करेंगे, फिर से इसमें बना लेंगे, फिर से जिस तरीक़ा से आप व्हाट्सअप बनाते हैं उसी तरीक़ा से बना देना, एक मैसेज आएगा, OPT उसको वेरीफाई करेगा, व्हाट्सअप बन जाएगा, फिर इसमें क्लिक करेंगे,
तो फिर ये तीसरा हो जाएगा, फिर इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें भी वैसा ही उसी तरीका से मांगा जाएगा। फिर आप एक बार करके देखिएगा, अगर नहीं होता है तो दोस्तों हमको भी बताइएगा, क्योंकि मैं तो यूज कर रहा हूँ अभी, बहुत ही अच्छे यूज कर रहा हूँ, आपको मैं बता भी दूंगा, बता देना चाहूँगा। मेरा एक मोबाइल है, मैं यूज बता देता हूँ आपको, स्क्रीन मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं ओपन करता हूँ और कैमरा 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 इसको बैक करते हैं, मैं कैमरा को ओपन करता हूँ और इसको यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आ गए और यहाँ पे एक मल्टी स्पेस है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ बहुत ढेर सारा है यूज कर रहा हूँ, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये व्हाट्सएप खुल जाएगा, ठीक है, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ पहले से, थोड़ा टाइम ले रहा है, इसमें नेट स्लो है तो दोस्तों, तो हम इसको यहाँ पे देखिए ये आ गया, ठीक है। इसमें देखिए दो ही आदमी अभी मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मैं अभी ओरिजिनल व्हाट्सएप खोल के बता देता हूँ, एक यहाँ पे है जो यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए भी ढेर सारा लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसमें एक और आईडी है तो इस तरीका से बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहले यूज करके आप लोग के साथ ये एप्लीकेशन शेयर कर रहा हूँ, और दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो को, और जितना हो सके दोस्त को हेल्प करने के लिए, जिन दोस्तों को आईडी बनाना चाहते हैं और पता नहीं है, उनके साथ शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और मैं किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो बनाऊँ वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, उस टॉपिक पर ज़्यादातर के मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।